झोला पकड़ ना। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 14034 जम्मू मेल में, जो कि रोजाना श्री माता वैष्णो देवी कटरा से दोपहर में 2:05 पे निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 4:30 पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। सो तो हम लोग इस ट्रेन से लगभग 630 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं 14 घंटा में 19 हॉल्ट के साथ। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और अपनी ट्रेन जम्मू मेल लगी हुई है। भाई अभी हो रही है बहुत ही जोरदार बारिश, वैसे इस ट्रेन में हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है B5 कोच में, मतलब थर्ड एसी में हम लोग जर्नी करने वाले हैं, सीट है 71 साइड लोअर। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अपना सीट। तो भाई ये रही अपनी सीट 71 साइड लोअर, यहाँ हमने बैग रख दिया है, फिर इसमें शूज है क्योंकि पूरा गीला हो चुका था, इसमें शूज रखे हुए हैं, नीचे लगेज है। और अच्छी बात है कि भाई इस ट्रेन में ब्लैंकेट बेडशीट वगैरह मिल जाएगा, पिल्लो वगैरह। भाई बिल्कुल ऑन टाइम हम लोग की ट्रेन निकल चुकी है कटरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। तो भाई लगभग 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट उधमपुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है 10 मिनट डिले। तो चलिए, वैसे भाई बारिश लगातार हो रही है और इस ब्लॉग में आपको थोड़ा सा चेहरा पे ना थकान दिख रहा होगा, थोड़ा सा इग्नोर कीजिए क्योंकि क्या है ना कि 28 किलोमीटर की यात्रा में 14 किलोमीटर ऊपर जाना, 14 किलोमीटर पैदल आना, पैदल यात्रा करने के बाद थकान तो हो ही जाता है, लेकिन क्या करें फिर भी ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तो जर्नी को कंटिन्यू करने से पहले आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ भाई फिलहाल अभी मैं अपने ट्रैवल बुकिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करता हूँ। तो भाई फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ वीगो ऐप। वीगो एक ट्रैवल ऐप है जो कि वर्ल्ड वाइड होटल्स फ्लाइट्स और एक्टिविटीज के लिए बेस्ट ऐप है मेरे अकॉर्डिंग। ये 100 से भी ज्यादा वेबसाइट से हजारों डील्स कंपेयर करके काफी कम पैसे में बुकिंग प्रोवाइड करवाती है, और अभी रिसेंटली वीगो ने IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू की है और हमने इस ट्रेन का टिकट वीगो से ही बुक किया है। वीगो से ट्रेन टिकट बुक करना काफी आसान है, सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना होगा वीगो ऐप, देन आपको क्लिक करना होगा रेल के आइकन पे, उसके बाद डेट ऑफ जर्नी के साथ डिपार्चर और अराइवल डेस्टिनेशन स्टेशन सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से आप ट्रेन सेलेक्ट कीजिए और जर्नी कीजिए। लेकिन हाँ, आप जिस रूट में जर्नी कर रहे हैं उस रूट का आप फ्लाइट का टिकट वीगो में देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वीगो फ्लाइट का टिकट काफी कम पैसे में प्रोवाइड करवाता है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वीगो ऐप डाउनलोड कीजिए और ट्रैवल कीजिए। और हाँ, अगर आपने डाउनलोड कर रखा है उसी एक बार अपडेट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे नए फीचर ऐड किए गए हैं वीगो ऐप में। भाई फिलहाल अभी हम लोगों ने साइड पेंट्री से एक कॉफी लिया है, भैया बता रहे थे 20 का ये कॉफी, लेकिन एक्चुअल में इसका प्राइस है 10। लास्ट टाइम जब हम जर्नी कर रहे थे इस ट्रेन में, दर्शन करने आए थे, पूरी तरह थके हुए जैसे अभी भी थके हुए हैं, उस वक्त इग्नोर किया, हमको कॉफ़ी पीना नहीं था, लेकिन दूसरे पैसेंजर को 20 में कॉफ़ी दिया जा रहा है। हमने सोचा ना भाई इस बार भी अगर 20 में दिया जाएगा तो चुप नहीं रहेंगे। फिर हमने बोला भैया 10 का कॉफ़ी होता है, 20 का किस हिसाब से, मैनेजर कौन से कोच में, उन्होंने बोला B1 कोच में, ठीक है। फिर लास्ट में भैया ने 10 रुपया लिया कॉफ़ी का। जब भी आप जर्नी करिए ध्यान रखिएगा कॉफ़ी चाय 10 की होती है, ठीक है। कैपेचिनो वगैरह कॉफ़ी अगर आप लीजिएगा तो वो 25 का होता है, पैकेट में MRP लिखा रहता है। वैसे कॉफी सही है, खालो खालो, डरो मत, खालो आराम से।
मोबाइल नंबर 77 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JAB, और यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 15 मिनट डिले। वैसे जम्मू तवी में इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था दोपहर के 3:40, हम लोग यहाँ 15 मिनट डिले पहुँचे। प्लेटफॉर्म यहाँ 3 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 82 ट्रेन आकर रुकती है और देश के कोने कोनों से श्रद्धालु यहाँ किसी के लिए, आपने आपको पता ही है, माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। वैसे मोस्टली जो ट्रेन है ना जम्मू तवी तक ही आती है, उसके बाद कुछ ही ट्रेन है जो कटरा तक जाती है। तो जम्मू तवी से आप दूसरी ट्रेन लेकर आप कटरा जा सकते हैं, नहीं तो आप बस से भी जा सकते हैं। स्टेशन के बाहर निकलिएगा आपको बस स्टैंड मिल जाएगा, वहाँ से आप बस लेकर डायरेक्ट आप कटरा जा सकते हैं। सबसे बेस्ट क्या रहेगा पता है, यहाँ से दूसरी ट्रेन लीजिए, मतलब जम्मू तवी से दूसरी ट्रेन लीजिए तब कटरा जाइए, क्योंकि बीच का जो नज़ारा है ना, बहुत सारे टनल्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो अगर आप आते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए ना, तो ट्रेन का एक्सपीरियंस जरूर ले, जम्मू तवी से ट्रेन ले। ट्रेन नहीं मिल रहा है तब आप बस से जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने लिया है साइड पेंट्री से ये चाउमीन। वैसे इस ट्रेन में आपको जब ट्रेन निकलती है कटरा से तो चाउमीन मिल जाएगा, बर्गर मिल जाएगा, वेज कटलेट मिल जाएगा और ये सैंडविच मिल जाएगा। सबका जो प्राइस है ना 50-50 रखा गया है, जबकि एक्चुअल प्राइस है इसका 40। ठीक है, हमने भैया को बोला भैया इसका तो 40 में मिलता है, या 50 क्यों ले रहे हैं? तो बोले भैया कि ठीक है कोई बात नहीं आप ले लो। ध्यान रखिएगा, अगर इस ट्रेन में जर्नी करते हैं जम्मू मेल में तो हर चीज़ पे 10 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वेज कटलेट हो, चाउमीन हो या कुछ भी हो। वैसे देखिए चाउमीन जो है ना, ये देखिए स्पाइसी लग रहा है देखने में भाई साहब। इसमें साथ में ये दिया गया है सॉस, तो ट्राई करते हैं देखते हैं कैसा है। सही है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, सही लग रहा है। और इस ट्रेन में पेंट्री कोच नहीं है, साइड पेंट्री है, लेकिन फिर भी आपको रात में जो है ना डिनर साइड पेंट्री से मिलेगा। वो कितनी की थाली मिलती है जब भैया आएंगे ऑर्डर लेने, उस वक्त फिर पूछेंगे उनसे, फिर आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट जो है ना हम लोग खाते हैं चाउमीन, इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। भाई लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का छठा हॉल्ट पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PKTC और यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहां पहुंची है 5 मिनट डिले। वैसे पहुंचने का टाइम है यहां 6:10। यहां 3 प्लेटफॉर्म है और अभी फिलहाल यहां रोजाना लगभग 98 ट्रेन आकर रुकती है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। ये ट्रेन 1 फर्स्ट AC, 2 सेकेंड AC, 6 थर्ड AC, 7 स्लीपर क्लास और 4 जनरल क्लास के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूं, अगर आप कटरा से पुरानी दिल्ली इस ट्रेन से जाते हैं 3rd AC में, जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूं, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1000 रुपया। अगर आप स्लीपर क्लास में जर्नी कीजिएगा तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 350 रुपया, मतलब 350 रुपया। आइए झोला झोला पकड़, झोला पकड़, झोला पकड़ ना, यहीं पर खड़ा रहो छोटू, यहीं पर रहो, यहीं पर रहो, तो पकड़ 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 आइए आइए आइए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलो। ओह
वो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, टीटी साहब आएंगे तो बात ले। टिकट टिकट नहीं है आपके पास? टिकट ले रहा है। ओ टिकट है तो ठीक है, वो आएंगे तो चले जाइएगा, देख लीजिएगा अपना, बात कर लीजिएगा। लेकिन इस तरह से चलती ट्रेन में मत चढ़िए, पहले चढ़ जाना चाहिए था ना आपको। चढ़े भाई, तो मतलब चलती ट्रेन में किस तरह से पैसेंजर बोर्ड कर रहे थे, पूरे फैमिली के साथ, दो बच्चा था, एक लेडीज थी, एक खुद अपने थे। हमने कई बार बताया कि भाई साहब इस तरह मतलब चलती ट्रेन में नहीं बोर्ड करें। 5 मिनट का हॉल्ट था, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आ जाइए स्टेशन पे। जब ट्रेन आइए आती है उसके बाद जाकर आराम से बोर्ड कीजिए। चलती ट्रेन में लेट पहुंच रहे हैं, चलती ट्रेन में बोर्ड कर रहे हैं, इसमें क्या है कि जान का तो खतरा है ही साथ ही साथ। तो हम थे गेट पे खड़े, पकड़ लिए हाथ ने तो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ध्यान रखें चलती ट्रेन में बोर्ड ना करें। वैसे नज़ारा मैं आपको इधर का दिखाता हूँ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 8:30, मतलब 8:30 बज रहा है। तो देखिए इस ट्रेन में साइड पेंट्री है, तो रात में डिनर में मतलब साइड पेंट्री में आपको वेज थाली, जम्मू मेल में सिर्फ वेज ही थाली मिलेगा। और ये जो थाली का जो ऑर्डर है ना, वो पठानकोट के बाद लिया जाता है और थाली को बोर्ड किया जाता है पठानकोट रेलवे स्टेशन पे ही। तो वेज थाली का हम लोगों ने ऑर्डर दिया था, वेज थाली अभी आया, जालंधर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, उससे पहले अभी डिनर जो है सभी को दिया जा रहा है पैसेंजरों को। तो हम लोगों ने वेज थाली ऑर्डर किया था, तो देखिए वेज थाली आ चुका है। ये है वेज थाली, देखिए इसमें आपको ये राइस मिल जाएगा, ये हलवा दिया गया है, ये आलू मटर की सब्जी है, क्वांटिटी आप देख ही सकते हैं, ये मटर पनीर की सब्जी है, इसमें 3-4 पनीर का टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, ये दाल है, ठीक है। दाल जो है ठीक ठाक लग रहा है, आप तो टेस्ट करेंगे उसके बाद पता चलेगा कैसा है। साथ ही ये 3 रोटी दी गई है, ये देखिए ये है, ठीक है। तो चलिए भाई थाली को ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं ये थाली है कैसे। वैसे चावल जो इसमें दी गई है वो बिल्कुल ठंडी है, रोटी जो दिया गया है इसमें 3 वो भी ठंडी है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो डिनर जो है ना, ये बोर्ड किया गया था पठानकोट रेलवे स्टेशन पे ही बोर्ड किया गया था। अभी जलंधर रेलवे स्टेशन के आउटर पे हम लोग हैं, अभी जाकर पैसेंजरों को ये दिया जा रहा है। टेस्ट देखते हैं, सबसे पहले ट्राई करते हैं हम लोग दाल, ठीक ठाक है लेकिन यही है कि ठंडी है दाल। मटर पनीर की सब्जी ट्राई करते हैं, वो भी ठीक है। आलू मटर की सब्जी ये भी ठीक है भाई। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन, और देखिए स्टेशन पे एक भी लाइट नहीं जल रहा है भाई साहब, प्लेटफॉर्म पे पूरा अंधेरा है, रेलवे स्टेशन फ्लैश लाइट जला के खाना बेचा जा रहा है। तो भाई लगभग 270 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 10वां हॉल्ट, जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GRC, और यहां पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है 5 मिनट डिले। वैसे यहां पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 8:55, और अभी हम लोगों ने डिनर ट्राई किया साइड पेंट्री से। भाई साहब क्या ही बताए, मतलब 80 की थाली 140 में दी जा रही है, मतलब एक थाली पे 60 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको पता है, पठानकोट रेलवे स्टेशन पे खाना बोर्ड किया जाता है और ऑर्डर ना पठानकोट रेलवे स्टेशन के बाद लिया जाता है। मतलब पहली ऐसी ट्रेन है कि खाना बोर्ड हो गया पहले और ऑर्डर बाद में लिया जा रहा है, और खाने को सर्व किया जाता है कब, जालंधर रेलवे स्टेशन से पहले। मतलब ये कितने घंटे का गैप हो जाता है, ठंडा तो खाना होगा ही ना। खाना का क्वालिटी ठीक ठाक था लेकिन क्वांटिटी कम था, 140 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं भाई, मतलब 140 रुपये चार्ज कर रहे हैं, मतलब 60 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। पहली बात तो आप चार्ज एक्स्ट्रा कर रहे हैं, और हाँ भाई कॉफ़ी उस पर भी 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, मतलब 10 की कॉफ़ी 20 में दी जा रही है। वेज चाउमिन 40 का 50 में बेचा जा रहा है, बर्गर 40 का 50 में बेचा जा रहा है, मतलब हर चीज़ पे 10 रुपये एक्स्ट्रा, पानी 15 का 20 में बेचा जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने कहीं भी एक्स्ट्रा पे नहीं किया, चाहे हमने चाउमिन खाया हो चाहे हमने कॉफ़ी लिया हो, हमने बोला भाई 10 रुपया ही पे करेंगे, वो 10 रुपया लेके फिर चले भी गए।
उन्होंने बहस भी नहीं किया, ये नहीं बोले कि 20 रुपया का है, 20 रुपया दो कॉफ़ी का है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। बोले भाई IRCTC का रेट है 10 रुपया, तुम 20 रुपया क्यों चार्ज कर रहे हो। बोला ठीक है भैया दे दीजिए आप, तो हमने दिया 10 रुपया। वैसे अभी बिल के लिए हमने बोला है भाई साहब को, बिल लेके आते हैं फिर दिखाते हैं बिल कितने का मिलता है साइड पेंट्री का इस ट्रेन का। भाई इस ट्रेन का भाई क्या ही बताए, खाने में इतना स्कैम हो रहा है, हर चीज़ पे एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। आप जर्नी किए होंगे तो आपको भी शायद पता चला होगा, अनुभव होगा इस ट्रेन के बारे में। इससे पहले भी हम एक बार जर्नी कर चुके हैं, उस वक्त क्या था कि हम थके हुए थे, हम कंटेंट नहीं बना रहे थे, उस वक्त भी चार्ज किया जा रहा था, लेकिन उस वक्त हम नहीं बोले। लेकिन बोले ना आज जब कंटेंट बना रहे हैं तो आज तो हर चीज़ दिखाएंगे, हर सच्चाई दिखाएंगे। अस्सी का नहीं आता, 70 को आप लोग को मिलता है, 80 को बोला जाता है देने के लिए, ठीक है। आप लोग बताइए उसको ये चार्ज कर रहे हैं 60 रुपये एक्स्ट्रा, सही है ऐसा नहीं है? तो फिर जाने का हमको तो पता है मैनेजर साहब से हमको थोड़ा बात करवाते हैं, तो गलत बात है ना, 60 रुपये एक्स्ट्रा सबसे चार्ज किया जा रहा है, मेरी बात है ना, बिल रखना जरूरी है ना। आप खाना अगर दे रहे हो तो उसका बिल तो चाहिए ना, बिना बिल काम कैसे करते हैं? अरे वो मेरा रिकॉर्ड कर रहा है, बताइए बिना बिल काम कैसे करते हैं? नहीं तो उनको कही बिल नहीं है, ठीक है सर बोल दिया, दो दिन में आ जाएगा बिल, मशीन आ जाएगा, बिल आ जाएगा, मशीन अभी भी ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? सर चलाना नहीं जानते सर, तो मैनेजर साहब भी नहीं जानते। आपको पता है कि बिना बिल के हम जो है ना कहीं ही नहीं करते, रेलवे का क्या रूल है, नो बिल फ्री फूड है ना। नहीं खाया तो पैसा देंगे, ऐसा नहीं है, पैसा तो आप लेके जाइए, लेकिन बिल नहीं है, बिल नहीं है तो मैनेजर साहब गलती मानेंगे, अगली बार से बिल आएगा, बिल आ रहा है, अगर हम दो दिन तीन दिन बाद जल्दी कल से मिल जाएगा, कल से बिल मिलेगा पक्का, बोल रहे हैं बच्चे भी आपकी बात मान रहे हैं, पैसा जो है हम दे देते हैं, बिल रखना जरूरी है, हाँ सर देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सब पैसेंजर कहाँ से पे करेगा बताइए, 140 रुपये सही नहीं है। खाना खाएं तो फ्री का थोड़ी है, पैसा तो हम दे ही देंगे, लेकिन जो रेट है वही देंगे। अरे सर कुछ भी आपको पता है, मिल्क बताए एज में 80 के मिल्क कहीं भी होती है, उसी जगह पर पहुँचा पूरा दे दिए, वो आपकी गलती है ना, अलाउ क्या करता है रेलवे सिर्फ एक चीज़ बेचने पर। बोलिएगा खुशी से बोलिएगा, हम आपको दे देंगे खाने पीने के लिए, बात अलग है, लेकिन रेट के हिसाब से काम करेंगे, खुशी से लीजिएगा तो मिली आइए घंटा, मतलब खुशी से आपको दे देंगे। भाई लगभग 340 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट लुधियाना जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है LDH, और यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग की ट्रेन जो है ना यहां पहुंची है लगभग 20 मिनट बिफोर। वैसे इस ट्रेन का लुधियाना में पहुंचने का टाइम है रात के 10:20, और हम लोग की ट्रेन पहुंची है पक्का 10 बजे। भाई शोर हो रहा है, पता नहीं आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, नहीं तो अब शांत हो गया भाई। तो हम ये बता रहे थे कि लुधियाना में इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 10:20, और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है 10 बजे, मतलब 20 मिनट बिफोर हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है। अगर मैं अभी तक की जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई जर्नी एक्सपीरियंस अभी तक ठीक ठाक रहा, वाशरूम का कंडीशन एवरेज है, खाना जो हम लोगों ने साइड पेंट्री से ट्राई किया था ना, वो खाना का बिल हमने बोला था भैया बिल लेके आइएगा, तो अभी थोड़ी देर पहले वो आए थे लेकिन बिल लेके नहीं आए,
उन्होंने बोला कि भाई साहब जो IRCTC का रेट लिस्ट में जो थाली का प्राइस है ना वही आप दे दीजिए। बोले कितना? 80। बोले हाँ। तो बोले भाई बिल लेके आओ। बिल क्यों नहीं है? तो बिल मशीन नहीं है। बोले बिल मशीन नहीं है तो बिल बुक तो होगा, तो वो भी नहीं है। बोले भाई ये तो गलत है, अगर आप बिल नहीं दोगे तो खाना फ्री होगा। तो भाई साहब ने बोला ठीक है भाई, आप खाना का पैसा मत दो, छोड़ दो, रहने दो। नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, अगर आपने खाना मुझे खिलाया है तो पैसा तो हम पे करेंगे। हाँ गलती आपसे हुई है, आप गलती मानिए। बोले कि हाँ हमसे गलती हो गई है, अगली बार से बिल मिलेगा। तो उन्होंने गलती स्वीकार किया है, उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट टाइम मतलब 2 दिन बाद से जो भी पैसेंजर बिल मांगेंगे उनको बिल दिया जाएगा और प्रॉपर रेट पे, मतलब 20 थाली का जो प्राइस है ना 80 वो दिया जाएगा। अब ये कितना सच होगा कितना गलत होगा मुझे नहीं पता, दोबारा मैं जर्नी करूँगा तब पता चलेगा। लेकिन हाँ आप लोग जरूर बता सकते हैं कि भाई साहब जम्मू मेल में अब थाली कितनी की दी जा रही है। जब आप जर्नी कीजिएगा तो फिर मुझे जरूर अपडेट कीजिएगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कहीं भी आप कर सकते हैं भाई सही हुआ कि नहीं हुआ कि फिर उतना ही घी थाली दी जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुधार होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो भाई अब दूसरा ऑप्शन फिर से वही है, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। तो यहाँ पे अपने एक फैमिली मेंबर आए हैं मिलने के लिए, सोनू कुमार नाम यहीं है। जी मैं बिहार से, वैसे बेगूसराय से मैं यहाँ पे रहता हूँ, साइबर कैफे काम करता हूँ। आप ये काम करते हैं बिहार के बेगूसराय से हैं, और कंटेंट कैसा लगता है भैया? एकदम मस्त है भैया, रोज आपका देखता हूँ ब्लॉग, जो जितने भी पुराने होते हैं वीडियो सभी देखता हूँ मैं आपके वीडियो। चले ठीक है भाई, आए तो भाई से मिलते हैं और यहाँ से बिठा लेंगे, क्योंकि पता है कि जब अपने लोग आते हैं तो बिना मुंह मीठा किए हुए जाने कैसे देंगे। तो भाई अभी फिलहाल हम लोगों ने लिया यहाँ से 4 पल्पी, और देखिए पल्पी का भी जो ना पैकिंग अभी चेंज हो गया है, ये बोतल का ये राउंड में हो गया है। और यहाँ अपने भाई लोग आए हैं, मीठा पियेंगे साथ में इंजॉय करेंगे। भाई यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर मिले, ये लोग लुधियाना से है ना, लुधियाना से। कैसा वीडियो लगता है ये बताइए भाई? ये नंबर और अभी ये लोग जा रहे हैं अमृतसर जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल विजिट करने के लिए। कौन सी ट्रिप बताए थे? हीराकुंड एक्सप्रेस से जा रहे हैं। चलिए मिलिए, काफी अच्छा लगा भाई, ये कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को ब्लॉग बनाने का। आवाज कट रहा है, फिर से बोलिए। भाई यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर ने कुछ गिफ्ट दिया है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। वैसे पैकिंग सफाई बहुत ही खूबसूरत है। तो भाई इसके अंदर जो है ना मुझे लगता है स्वीट्स है, तो लिखा हुआ है डॉक्टर डेयरी स्वीट्स। रसगुल्ला भाई, थैंक यू सो मच भाई इसके लिए। मजा आ गया। तो भाई इतना सारा रसगुल्ला तो नहीं खा सकते हैं, तो जो भी अपना कोच अटेंडेंट है या OBHS स्टाफ है उनको चलते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि क्या है पूरा रस लगा हुआ बैग में रखेंगे तो बैग में जो भी चीज रखा हुआ है ना उसका हो जाएगा सत्यानाश। एक पीस और खाएंगे उसके बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे OBHS स्टाफ के साथ साथ ही अपने कोच अटेंडेंट के साथ। देखिए कैसा लग रहा है? और भी है साथ में, आया था गिफ्ट दिया। अच्छा अच्छा, ये कोच अटेंडेंट कहाँ गए? उधर देखा हुआ, अभी रात के बज रहे हैं 11:07। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अब जम्मू मेल का वाशरूम का कंडीशन। वैसे वाशरूम में जाने से पहले देखिए सामने में आपको मिरर देखने को मिलेगा, साफ सफाई आपके सामने है। ये रहा वाटर डिस्पेंसर,
पानी वगैरह आ रहा है, पूरी जर्नी पानी आया, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिन की साफ सफाई आप देख सकते हैं, इधर डस्टबिन है, इधर भी डस्टबिन है, इधर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन क्या है ना, पूरी जर्नी हम देख रहे हैं पानी लीक कर रहा है। ये देखिए पानी पूरी जर्नी लीक कर रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से लीक कर रहा है। और यहाँ पे भाई किसी का पैंट सूख रहा है। वैसे चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, और क्लीनिंग रिलेटेड इशू अगर आपको होगा तो कॉन्टैक्ट इस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ट्वीट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर कॉल कीजिएगा तो आपका जो प्रॉब्लम होगा ना क्लीनिंग रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं वाशरूम में। वाशरूम में आते थे कि सामने में आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा मिरर, ऊपर लाइट है, और इधर इसमें लिक्विड सोप भरा हुआ है, सही है, सेविंग सॉकेट, टैप, पानी आ रहा है, बेसिन की साफ सफाई आप देख ही सकते हैं, नीचे डस्टबिन है रखा हुआ। वैसे अगर मैं वॉशरूम की कंडीशन की बात करूं तो वॉशरूम का कंडीशन एवरेज है भाई। अभी टाइम हो रहा है 11:13, और देखिए मेरे कोच के सभी पैसेंजर सो गए हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि सभी लोग पैदल यात्रा करके आए हैं, सभी थके हुए हैं, सभी सो रहे हैं, तो भाई हम भी जाते हैं सोने के लिए, क्यों डिस्टर्ब करें दूसरे को। ये अपना बेडशीट वगैरह हमने बिछा दिया है, कहीं पर लेटते हैं, फिर मिलते हैं आपसे सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। मॉर्निंग गाइस, लगभग 630 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं नरेला रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NUR, और यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग की जो ट्रेन है यहां पहुंची है लगभग 20 मिनट डिले। और नरेला जो है ये आता है दिल्ली में ही। वैसे नरेला में इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह के 3:08, हम लोग पहुँचे हैं 3:28, मतलब 20 मिनट डिले पहुँचे हैं। तो इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि ये जो ट्रेन है कितनी पंक्चुअल है। वैसे ये जो ट्रेन है ना जम्मू मेल, ये चलती है पुरानी दिल्ली तक चलती है कटरा से, लेकिन हम लोग डिबोर्ड हुए हैं नरेला में। इसके पीछे रीज़न ये है कि नरेला, मतलब मेरा जो घर है ना दिल्ली में नरेला में ही है, तो अभी पुरानी दिल्ली जाना फिर वहाँ से 25 किलोमीटर वापस आना तो ये तो पॉसिबल नहीं था। इस वजह से सोचे कि अब सुबह में कोई कॉन्टेंट बनेगा ही नहीं, तो यहीं पर कॉन्टेंट को लास्ट करते हैं। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ, पंक्चुअलिटी आपको पता चल ही गया होगा, नरेला तक ये ट्रेन 20 मिनट डिले जा रही है, लेकिन आई थिंक पुरानी दिल्ली जो है ये ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आपको पहुँचाएगी। साफ सफाई की अगर मैं बात करूँ तो कोच का कंडीशन हो, वाशरूम का कंडीशन हो, वो आपको इस ट्रेन में एवरेज देखने को मिलेगा। थर्ड एसी कोच की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो पेंट्री में जो है आपको हर चीज़ मिलेगा, लेकिन वही है ना कि ओवर प्राइस दिया जा रहा है, चाहे वो वेज थाली हो, चाहे वो चाउमीन हो, बर्गर हो, सैंडविच हो, हर चीज़ पे एक्स्ट्रा, चाहे कॉफ़ी हो, हर चीज़ पे एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इस ट्रेन में जर्नी कीजिएगा, तो ओवर प्राइस तो लिया जा रहा है लेकिन आपको देना नहीं है। IRCTC का जो रेट लिस्ट है, रेट के हिसाब से ही आपको पेमेंट करना है और आपको बिल का डिमांड करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस बाय, और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू।